YouTube channel. Namaskar apnaluk sokoloke mur YouTube channel le punorbar shagatam janaisu. So guys, thumbnail dekh ke to abhi obviously aap logon ko pata chal gaya hoga, but this is the most requested video. आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिस वीडियो में ये रिक्वेस्ट कमेंट में नहीं आया है. हर वीडियो में कमेंट आता है कि बाप ना रूम दिखाओ, रूम दिखाओ, रूम दिखाओ, रूम दिखाओ, रूम टूर करवाओ. तो फाइनली एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ें बाकी था करने को, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही थी. एंड अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बट देन फिर मैंने सोचा कि अभी कितना ही लेट करूं और दिखा देती हूँ आप लोगों को जो आप लोग इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. एंड शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो. और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, मैं ये वीडियो रात को शूट कर रही हूँ क्योंकि रात में मेरे रूम का वाइब बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. इट्स लाइक अमेजिंग. वो दिन में आप लोगों को नहीं फील होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना जो रूम टूर है वो रात को ही करवाऊंगी. एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद दी शेल्स. तो सबसे पहले ये मैं ये भी बता दूंगी कि मैंने ये कहाँ से ऑर्डर किया है, कैसे लिया है. सो ये जो तीन शेल्व्स है ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से. अगर पॉसिबल होगा तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो सबसे पहले दिस इज माई यूट्यूब अवार्ड. एंड देन दिस लैंटर्न, ये मैंने लिया था आइकिया से. आइकिया में ये सारी चीजें बहुत ही कम और सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं. और उसके अंदर है एक डुप्लीकेट कैंडल, वो रियल कैंडल नहीं है. एंड देन दीज, ये भी मैंने छोटे छोटे जो फ्लावर पॉट नहीं है, ऑब्वियसली मैंने सजाने के लिए डुप्लीकेट वाला लेके आई थी मैं आइकिया से. देन दिस वन इज माई पिक्चर. थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है. तो खुद के बहुत सारे पिक्चर्स मैंने लगाए मेरे रूम में. तो दिस वन इज माई पिक्चर. और सारे फोटोज जो है ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने लगाए, बिकॉज आई लाइक दैट ब्लैक एंड व्हाइट वाला फील. और ये दो डेनियल वेलिंगटन का ऐसे ही दिया था मुझे कोलाब्रेशन के लिए, पर देखने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब क्लास, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उनको. और उसके बाद दिस इज एस डी सुरभि दास, ये भी मुझे कोलाब्रेशन मतलब गिफ्ट आया था एक्चुअली ये इंस्टा पेज में, तो ये भी मैंने रखा हुआ है. देन ये ऑब्वियसली लेंस जो हम कैमरा यूज करें. फिर उसके बाद दिस इज यू नो बॉक्स छोटा सा, मुझे ये मैंने लिया था सुपर 99 वहां से, गुवाहाटी सेंट्रल मॉल से लिया था ये, हैप्पी सिटी सेंटर से लिया था, हैप्पी एवरी डे. एंड देन दिस वन इज वन मोर फ्लावर पॉट जो मैंने आइकिया से लिया था. उसके बाद आप लोगों ने मेरे हर वीडियो में, रील में, मतलब हर नहीं मैक्सिमम रील्स वीडियो में तो देखा ही होगा ये मिरर. ये मिरर, दिस मिरर वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर मी कि मुझे बनवाना ही था ये मिरर. मैं और सौरभ गए मीरा रोड में घूम 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 के देखने के लिए, और तब मुझे मैंने ऑर्डर किया एक्चुअली ये मिरर. दिस कॉस्ट मी अराउंड 5000. मैं प्राइस भी आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कितने में, किस में कितना लिया है. तो ये 5000 लिया, सब कुछ बल्ब्स एंड ऑल सब इंक्लूड करके 5000 में आया ये. साइज थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा है, मतलब लंबाई है, पर मुझे आने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा और बड़ा होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट देन इट्स फाइन. तो उसके बाद दिस मिरर, अगेन ये मेकअप मिरर है. ये मिरर मैंने लिया था आइकिया से, बोथ साइड. ये भी मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला था, कुछ ऑफर में था तभी मैं, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द प्राइस. इट वाज अराउंड आई थिंक 800 में मिल गया मुझे, पर आइकिया में आई डोंट थिंक अभी मिल जाएगा क्योंकि कुछ ऑफर था उसमें. एनीवे, अगेन दिस फ्लावर पॉट. फिर उसके बाद ये जो टेबल कवर मैंने लगाया है व्हाइट कलर का, ये भी मुझे अराउंड 500 to 600 में ही मिल गया था आइकिया में. तो ये, और फिर उसके बाद ये शेल्फ अंदर है, इसमें मेरे बैग्स रखे हुए हैं एंड चप्पल्स जो मैंने कभी यूज नहीं किए वो वाले. और इसमें तीन अंदर शेल्फ्स है, एक में स्किन केयर, एक में मेकअप एंड एक में ज्वेलरी. वो मैं आप लोगों को
आज इस वीडियो में नहीं दिखाने वाली हूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद ये फ्लावर्स है येलो एंड व्हाइट जो मैंने मीरा रोड से लिया था। एंड देन दिस इज माय मेकअप वैनिटी, इसमें मेरे सारे मेकअप के सामान है। एंड दिस वन इज कैंडल, मुझे ये सारी चीजें बहुत पसंद है। फिर मेकअप वैनिटी के अंदर क्या क्या है वो जब मैं मेकअप वाला वीडियो बनाऊंगी तभी आप लोगों को दिखाऊंगी। लेट्स गो। और फिर उसके बाद ये एक कॉर्नर, ये फोटो आप लोगों ने देखा था मेरे बर्थडे वाले वीडियो में, सौरभ ने मुझे गिफ्ट किया था। दिस वन इज आई गॉट फ्रॉम असम, इस बार जब मैं बिहू में गई थी तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था तो मैं इसे लेके आई हूँ सजाने के लिए। ये जो है ये बॉस लेडी का मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, ये मैंने लिया था गोवा से, मुझे रास्ते में जब मैं आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला, तो मैंने ये गोवा से लिया है। तो दिस चेयर, ये चेयर मेकअप के लिए ही मैंने लिया है, ये भी मुझे अराउंड 500-600 ही लिया है आइकिया में, बहुत ही कम प्राइस में मिल गया था। बट देन ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत इट्स लाइक अ वेरी लाइट वेट, पर ये फोल्डिंग है इसीलिए मैंने लिया था, इसको आराम से फोल्ड करके भी रख सकते हो। उसके बाद ये हार्ट मुझे दिया था सौरभ ने वैलेंटाइन डे में, और दिस वन इज अगेन अ मेकअप पाउच जो मुझे गिफ्ट किया था सुमन जी ने, गोइंग का हाउस की जो मेरे सीरियल की सुमन जी है, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था उनके लास्ट डे पे, सीरियल जिस दिन खत्म हो रहा था उनका पार्ट, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन एंड देन विल कम टू। और उसके बाद ये है मेरा फेवरेट पार्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाती हूँ खाती हूँ, पर अभी थोड़ा सा गर्मी हो रहा है क्योंकि धूप डायरेक्टली पड़ता है यहाँ पे, तो दिस इज यू नो गद्दा जो मैंने यहाँ पे नीचे फ्लोर पे बिछा के रखा है, बिकॉज आई लाइक दीज काइंड ऑफ वाइब्स, जब मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं मेरे घर पे तो यहाँ पे बैठ के आराम से बाहर फील लेके वो लोग बैठ सकते। तो और साइड में दिस इज ऑरेंज कलर प्लांट जो अगेन असली नहीं है, डुप्लीकेट है, मैंने डुप्लीकेट इसीलिए लिया है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पानी दूँ, और दीदी भी कभी कभी भूल जाती है तो वो सूख जाते हैं, इससे अच्छा है कि मैं नकली ले लूँ ताकि मुझे भी कोई प्रेशर ना हो और दिखने में भी अच्छा लगे। मुझे व्हाइट वाला फील चाहिए तो मैंने सब मैक्सिमम मैंने व्हाइट करने की ही कोशिश की है, तो दिस इज थोड़ा सा आ गया ये। एंड देन माय फेवरेट थिंग जो पूरे रूम में है कि बाहर का व्यू, यहाँ से प्रॉपरली आप बाहर सब देख सकते हो, मुझे जब कहीं जाना होता है तो मैं पहले देख लेती हूँ कि अंदर कितना ट्रैफिक है और उसके हिसाब से मैं निकलती हूँ, तो यहाँ से आप पूरा दिख जाएगा। एंड इसके साइड में ही है मेरा बैल्कनी, और इसमें मैंने दो कर्टन लगाए क्योंकि व्हाइट वाला कर्टन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था, वो बाहर से दिखता है, और इसके साइड में ही लेट्स गो टू माय बैल्कनी, और ये है मेरा बैल्कनी। बहुत बड़ा बैल्कनी नहीं है पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हवा भी आती रहती है, और कभी कभी यू नो जब मुझे फोटो वोटो खींचना है बाहर धूप में तो मैं यहाँ पे खिंचवाती हूँ। यहाँ से आप लोगों को देखना है क्या नीचे, डर तो नहीं लगेगा? सो यहाँ से आप लोगों को पूरा दिख जाएगा वो सारे बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है उधर क्या रहा है, और इस तरफ मैंने पहले भी दिखा था, इस तरफ मैं जाती हूँ मेरा शूट, और इस तरफ जाते हैं हम अंधेरे, ठीक है। सो दिस इज द नाइट व्यू फ्रॉम माई बैल्कनी। और फिर उसके बाद ये मेरा पार्ट है जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, हर कहीं पे बनाती हूँ, यहाँ पे भी आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे। सो दिस इज नियॉन लाइट जिसमें लिखा हुआ है बॉस लेडी, पता ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड देन ये एक वॉच है जो मैंने लिया था होम डेकोर से, ये भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था। एंड देन अगेन दिस प्लांट जो है डुप्लीकेट, जैसे कि बोला आप लोगों की मैं डुप्लीकेट प्लांट्स ही मैंने लगाए सारे, और ये एक लाइट फेरी लाइट फील देने के लिए बस, तो ये एक छोटा सा कॉर्नर है मेरा, बहुत कुछ नहीं है, एकदम कम चीजें रखा हुआ है ताकि मैं जब वीडियो करूँ, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन नो, जो क्लाइंट्स होते हैं ब्रांड्स होते हैं दे वॉन्ट
प्लेन बैकग्राउंड, तो इसमें तो थोड़ा सा लाइट है ही, अगर जरूरत पड़ा तो वो लाइट निकाल के हम प्लेन बैकग्राउंड में भी वीडियो बना सकते हैं। बात एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को दिखानी है इज दिस क्यूट जापी जो मैंने लिया था इस बार जब मैं असम गई थी। एक्चुअली मैं शूट के सबके लिए लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि एक मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ और ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। बहुत बहुत ही ज्यादा क्यूट सा है। एंड देन और ये थे सारे वो पार्ट्स मेरे रूम के जो मेरे लिए एक सपना था कि मैं अपना एक रूम, क्योंकि मेरा कभी खुद का रूम रहा नहीं है, मैं अपनी मम्मी के साथ ही सोती थी, तो मैं खुद का एक रूम बनाऊंगी और उसमें ऐसे करूंगी ऐसे। अभी भी बहुत सारा कुछ करना बाकी है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, तो उन सबको बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। एंड अच्छा, अरे शिट, मैंने एक चीज़ तो दिखाई नहीं आप लोगों को। As I said, I'm a little bit self-obsessed. तो ये सारे मेरे pictures हैं जो मैंने यहाँ पे frame किया हुआ है, because मुझे खुद को देखना पसंद है, मुझे खुद से बहुत प्यार है। तो मैंने सारे pictures black and white में ही लगाया है, क्योंकि जैसे पहले भी बोला कि black and white का white थोड़ा अच्छा लगता है। Anyway, तो मैं ये सारे pictures मैंने Instagram में upload किया हुआ ही, आप लोगों ने देखा है पहले, वो सारे pictures ही मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में, और ये सारे जो फ्रेम्स हैं ये फ्रेम्स मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से। अमेजोन में हर चीज़ मिली जाती है यार, ये अमेजोन का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बाय द वे, मैंने सच में अमेजोन से लिया क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिलता है। एनीवे, नाउ मैंने आप लोगों को दिखा दिया सारे सुंदर चीज़ें जो अच्छे से मैंने रखा हुआ है, सजा के रखा हुआ है, सो सब कुछ दिखा दिया। अब हम चलते हैं हमारे रियलिस्टिक वाले पार्ट में जो हर रूम का हिस्सा होता है। नाउ दिस इज माय रियलिस्टिक वाला पार्ट कि जो सच्चाई है। ऑब्वियसली दिस इज माय सिंपल सा अलमारी जो कि मैंने मीरा रोड से ही लिया था, ये मैंने कहीं से ऑर्डर नहीं किया है। ये इसके अंदर मेरे सारे कपड़े हैं जो मैं पहनती हूँ, और उसके ऊपर बैग्स है, ये सारे जो कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, तो मैंने फेंका नहीं है, सारे बैग्स मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद नीचे अगर आप थोड़ा सा झुकेंगे तो देखेंगे ये एक लॉन्ड्री बैग, और इसमें सारे वो कपड़े हैं जो मैं शूट में जाती हूँ फिर पहन के यहाँ पे रख देती हूँ, एंड जब धुलने के बाद वो फिर कबर्ड में जाते हैं, तब तक इस बैग में रहता है। उसके बाद ये है एक स्टैंड ऑब्वियसली जिसमें मैंने रखा हुआ है मेरे बैग्स, कुछ जो लेती हूँ मैं डेली जो यूजफुल होता है वो सारे बैग्स मैंने यहाँ पे रखा है। एंड उसके पीछे है अगेन एक कबर्ड छोटा सा, आई डोंट नो आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये इस वाले कबर्ड में मैंने रखे हुए मेरे लॉन्ड्रीज जो मुझे नेसेसरी होता है वो मैंने रखा हुआ है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। एंड जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वही है, नथिंग एल्स। ये छोटा सा मेरा रिंग लाइट है, वो मैंने बहुत पहले लिया था, अभी वो यूज ही नहीं हो रहा है। मेरा रूम का नाइट व्यू कैसा होता है, रात को कैसा लगता है, कितना अच्छा वाइब है, पर दिन का भी मैं एक क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी पूरे रूम का, और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा, दिन वाला या रात वाला। यही था मेरा रूम, यही थे सारे चीज़ें। आई जस्ट होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत प्यार से एक एक सामान जोड़ के खरीद के अपने मेहनत के पैसे से मैंने ये सब सजाया है, बनाया, नहीं कि
कोशिश किया है एंड आगे भी करती रहूंगी, और जब बहुत अच्छा रूम बनेगा भगवान ने चाहा तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, अच्छे से शेयर करूंगी उसके पीछे की एक एक डिटेल. सो तब तक प्यार देते रहिए एंड इग्नोर ऑल द नेगेटिविटी एंड आई लव यू ऑल. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.